आज के मॉडर्न सोसाइटी में भी कई बार महिलाओं की आवाज़ दबा दी जाती है, खासकर सेक्सुअली लाइफ से जुड़े मामलों में। आज भी अबॉर्शन जैसी चीज़ों को लेकर महिलाओं में जागरूकता की कमी है। इंटरनेट पर पुराने जमाने में महिलाओं का गर्भावस्था कराने के लिए कई अजीबोगरीब और खतरनाक तरीकों के बारे में बताया गया है, जिनके बारे में जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। पुराने जमाने में पुरुष महिलाओं के प्रेग्नेंट हो जाने पर अगर अबॉर्शन करवाना चाहते थे तो उन्हें डॉक्टर्स के पास ले जाने की बजाय कई तरह के घरेलू लेकिन असुरक्षित तरीके अपनाते थे। कुछ जगहों पर लोग महिलाओं अपने प्राइवेट पार्ट के अंदर जॉक डाल देती थी। लोगों का मानना था कि ये कीड़ा गर्भ में पल रहे फीट को मारकर खा जाएंगे और इस तरह उनका अबॉर्शन हो जाएगा। हालांकि इस तरीके से किए गए अबॉर्शन का कोई सटीक मामला सामने नहीं आया, लेकिन छुपाकर इसे काफी इस्तेमाल किया जाता था। कई महिलाएं गर्भपात के लिए टाइट कपड़े पहनती थी। लॉजिक के मुताबिक टाइट कपड़ों में गर्भ में पल रहा फीट बढ़ नहीं पाता और महिला का गर्भपात हो जाता है। कई महिलाएं गर्भपात के लिए अपनी बॉडी में हैंगर या बॉडी नीडल डालती थी। माना जाता था कि इस तरह की नुकीली चीजें गर्भ में मौजूद बच्चे को नुकसान पहुंचाकर गर्भपात करवा देती थी। कई जगहों पर शॉक थेरेपी के जरिए गर्भपात कराया जाता था। महिलाओं को बिना एंथोरियस दिए उनके दांत उखाड़े जाते थे या प्रेग्नेंट महिला को कुत्ते से कटवाया जाता था। माना जाता था कि इस तरीके से महिलाओं को सदमा लगता है और गर्भपात की संभावना बढ़ जाती थी। कई महिलाएं अबॉर्शन के लिए खुद को सीढ़ियों से नीचे गिरा लेती थी। माना जाता था कि इससे गर्भपात हो जाता था, वो भी बिना डॉक्टर्स के पास गए हुए। कई महिलाएं गर्भपात के लिए कई दिनों तक भूखी रहती थी। जब गर्भ में बच्चे को खाना ही नहीं मिलेगा तो वो बढ़ेगा कैसे। महिलाएं तब तक भूखी रहती थी जब तक बच्चा मर नहीं जाता। कई जगहों पर प्रेग्नेंट महिलाएं अपने पेट पर हथौड़े से जोर जोर से मारती थी ताकि गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो जाए। इस तरीके का एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें एक महिला अपने बच्चे को मारने के लिए अपने पेट पर हथौड़े से वार वार कर रही थी। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आज ही हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए तथा कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करिए। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।